नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। हॉकी के महान जादूगर दद्दा ध्यानचंद्र की नगरी में 11वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। प्रतियोगिता का आगाज 21 अक्टूबर को होगा। यह प्रतियोगिता 30 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता की सारी तैयारियों को तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। ध्यानचंद स्टेडियम के मैदान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। कई प्रदेशों की टीमों का आगमन हो चुका है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर ठहराया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। स्टेडियम के चारों ओर होर्डिंग्स तथा बैनर लगा दिए गए हैं। प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 27 व 28 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। 29 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल तथा सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और 30 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला होने के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। बताते चले कि जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां कर रहा है। झांसी से मनीषा की रिपोर्ट। देखिए, ये हॉकी के जब महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की खेल इतिहास को व उनके प्रति खेल का समर्पण को दृष्टिगत और बुंदेलखंड खासकर झांसी एरिए में महिलाओं में बालिकाओं में अधिक से अधिक खेलों के प्रति रुझान बढ़े, इसलिए हॉकी इंडिया द्वारा संभवतः पहली बार 11वीं हॉकी सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कुल 11 दिवसों में किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश की 28 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। हम लोग ने यहाँ एस्ट्रोटर्फ पर सारे मैच इसके आयोजन के होंगे, यहीं पे हमारा शुभारंभ और उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समापन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा और वातावरण उत्कृष्ट मिल सके, इसलिए इनके आवासीय व्यवस्था पैरामेडिकल में कराई गई है तथा निर्णायक गण जो इसमें आते हैं हॉकी इंडिया के अंपायर, उनको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विशेष अतिथि कक्ष में ठहराया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कल 7:30 बजे प्रातःकाल किया जाएगा।